नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर सब जीरो के साथ लगने वाला NTC75 प्रोब यानी सेंसर, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि जो कंपनी जिस वैल्यू का थर्मिस्टर हमारे इस सेंसर में लगाती है वो क्या है। दोस्तों मैं आपको यह बताऊँगा कि यह सेंसर प्रोब ख़राब क्यों हो जाते हैं और ये कहां पर लगे होते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है। हम इस उपकरण यानी इस फ्रिज के अंदर +2 डिग्री से +8 डिग्री के तापमान को मेंटेन करते हैं और ये टोटली डिजिटल साइन पर काम करता है, यानी कि इसमें डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि सब जीरो का भी हम लगाते हैं बाद में जब इसका ओरिजिनल वाला ख़राब हो जाता है। उसके साथ एक प्रोब आती है, सेंसर आता है, जो तापमान को सेंस करता है और उस माइक्रो प्रोसेसर को कमांड भेजता है, उसी के अनुरूप हमारा उपकरण चलता है और बंद हो जाता है। दोस्तों ये जो सेंसर होता है ये लगभग NTC प्रकार का ही यूज होता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे इस NTC प्रोब यानी सेंसर की जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम होता जाएगा। यहाँ पर ये सेंसर लगा होता जो अभी आपने देखा, हमने इसके मूल टैंक को बाहर निकाल दिया है। मूल टैंक और उपकरण के टैंक के मध्य में हम इसे इम्प्लांट करते हैं यानी इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ये कई कारणों से ख़राब हो जाता है। लगभग जब इसके अंदर पानी चला जाता है तब ये ख़राब होता है, या फिर कोई और वोल्टेज इसके अंदर चली जाती है तब ये ख़राब हो जाता है और तापमान को ठीक प्रकार से सेंस नहीं कर पाता, जिस वजह से ये जो कमांड हमारे माइक्रो प्रोसेसर यानी डिजिटल कंट्रोलर को भेजता है उससे उसका नियंत्रण हमारे उपकरण पर नहीं रह पाता और तापमान बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे इसमें रखे हुए वैक्सीन या इसमें रखा हुआ सामान ख़राब हो जाता है। कंपनी हर NTC थर्मिस्टर को एक निश्चित तापक्रम पर उसकी वैल्यू सेट करती है या वो उस वैल्यू का होता है, जो कि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस वो तापमान होता है जिस पर हम किसी भी NTC तापमान की ओरिजिनल वैल्यू को देख सकते हैं। दोस्तों ये एक बर्तन है, इसमें मैंने पानी लिया है जिसका तापमान लगभग 22 या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इसमें मैंने एक मरकरी का थर्मामीटर लगाया है और एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर लगाया है और इसमें मैंने साथ में दो प्रोब लगाई हैं जो सब जीरो की है, जो कि NTC75 है। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे 25 डिग्री के तापमान पर इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है। वैसे तो दोस्तों इसका एक पूरा चार्ट आता है जिसमें कंपनी के द्वारा हर डिग्री तापमान पर इसकी वैल्यू को दर्शाया गया होता है। कोशिश करूँगा कि मैं आपको कभी उसको भी दिखाऊं और उसके अनुसार से भी हम अपनी प्रोब को चेक कर सकते हैं। अभी देखिए 25 डिग्री तापमान आप डिजिटल मल्टीमीटर में देख सकते हैं और इसका जो इस वक्त वैल्यू है वो है 9.9, यानी कि आप इसे 10 ही मान सकते हैं, प्लस माइनस 1 का एरर हमारा मल्टीमीटर भी हो सकता है या हमारा फिर जो प्रोब है वो भी हो सकता है, ऐसा कंपनी भी कहती है। देखिए दोनों प्रोबों का जो फिक्स वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस पर वो हमारा 9.9 है, यानी कि ये जो हमारा थर्मिस्टर है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इस वक्त हमारे इस सेंसर का यानी प्रोब का, वो आप 10 के मान सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें ओम में चेक करते हैं और इस टाइम मैंने मेरे मल्टीमीटर की जो प्रोब है वो 200 ओम पे सेट की है। तो दोस्तों हमारा जो ये सेंसर है ये 10K का है। लगभग NTC जो थर्मिस्टर हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं तापमान को मापने के लिए वो लगभग 10K या फिर 100K के आसपास ही होते हैं, एक दो को छोड़कर। इस वक्त मेरे हाथ में जिसे मैं चेक कर रहा हूँ वो सब जीरो का NTC75 प्रोब यानी सेंसर है, जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर इस समय है 9.9, यानी कि आप 10K ही इसे मान लीजिए। दोस्तों वैसे मैं आपको और भी इससे नीचे तापमान को ले जाकर इसकी वैल्यू को दिखा सकता था, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, वो मैं कभी आपको आगे दिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ इस बात को फोकस कीजिए कि हमारा जो सब जीरो में टेम्परेचर सेंसर लगता है, जो प्रोब लगती है, उसकी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो सही वैल्यू होती है वो होती है 10K। इसमें जो अभी आप वैल्यू देख रहे हैं वो 9.9 है और अक्सर ये जो हमारे सेंसर ये ख़राब होते हैं, या तो इनके अंदर पानी चला जाता है या फिर इनके अंदर ओवर करंट चला जाता है तो ये ख़राब हो जाते हैं। उस ख़राब होने की अवस्था में ये तापमान को ठीक प्रकार से सेंस नहीं कर पाते और आपका जो डिजिटल कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके साथ ये जुड़ा होता है वो
तापमान की डिग्री को ठीक प्रकार से सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों उसी के हिसाब से ही उसे डिजाइन किया होता है। जो हमारे सेंसर की वैल्यू होती है उसी के हिसाब से उसमें करंट जाता है और उसी के हिसाब से वो टेम्परेचर को कम या ज़्यादा देखकर उसे उपकरण को बंद करता है या फिर चालू करता है। सेंसर के गड़बड़ाने से हमारे पूरे सिस्टम का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और उससे हमारे उपकरण में रखी हुई सभी वस्तुएं ख़राब हो सकती हैं। आप मर्करी के थर्मामीटर में देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारा तापमान है वो 25.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो दोस्तों ये था सब जीरो के टेम्परेचर सेंसर 75 की ओरिजिनल वैल्यू 25 डिग्री के तापमान पर। मैं आपको आगे NTC सेंसर के बारे में और भी रोचक बातें बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने इसे पूरी तरह से ओपन करके दिखाया हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।